वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। आप सभी को पता होगा कि साइक्लोन को लेके बहुत सारी हेडलाइंस आ रही है न्यूज़ में और इसे लेके गवर्नमेंट ने अलर्टनेस जारी की है। पोस्ट मानसून का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में इसी वीकेंड के अंदर डेवलप होने वाला है, इसी वीकेंड के अंदर इसका इम्पैक्ट शुरू होने वाला है जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में लैंडफॉल कर सकता है, लेकिन इसका लैंडफॉल अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। ये 2018 के बाद अक्टूबर में होने वाला पहला साइक्लोन है। इससे पहले साइक्लोन आसानी मई के महीने में बहुत सारे डैमेजेस कर चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के कहने के अनुसार अगर एक बार ये साइक्लोन के रूप में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाम सितरंग रखा जाएगा। इस साइक्लोन को सितरंग के नाम से थाईलैंड के ओर से नेमिंग की गई है। ये वेस्ट वॉर के ओर मूव कर सकता है और अक्टूबर 22 की सुबह ये एक डिप्रेशन के रूप में कन्वर्ट होगा बे ऑफ बंगाल में। एंटिसिपेटेड सिस्टम की मेंशन की गई है कि ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और ओडिशा कोस्ट में 45 से 55 किलोमीटर तक इसका विंड फ्लो रहेगा और अक्टूबर 22 तक ये 65 किलोमीटर पर आवर तक फ्लो करेगा और तेज़ बारिश भी हो सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार सैटरडे यानी अक्टूबर 22 को ये वेरी लाइकली एक डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होने वाला है और उसके बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। एसआरसी के कहने के अनुसार फिशरमैन को एडवाइस दिया गया है कि वो गहरे समंदर में वेंचर ना करे और कोस्ट में रिटर्न कर ले अक्टूबर 22 के अंदर। बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने वाला ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर साइक्लोन में कन्वर्ट होता है तो ये सेकंड स्टॉर्म होगा साइक्लोन फाइलिन के बाद जो 2013 में हुआ था। अक्टूबर 12 2013 को साइक्लोन फाइलिन का इम्पैक्ट ओडिशा पर बहुत भारी पड़ा था। बहुत सारे डैमेजेस हुए थे जिसका लैंडफॉल गंजाम के गोपालपुर कोस्ट में हुआ था। 1891 से 2021 तक 15 साइक्लोन्स ओडिशा फेस कर चुका है अक्टूबर में। बे ऑफ बंगाल की हिस्ट्री में 1999 का सुपर साइक्लोन एक मोस्ट इंटेंस अक्टूबर साइक्लोन था। एक टाइम में ओडिशा के पास कुछ भी मदद या टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी 1999 सुपर साइक्लोन से वो रिकवर कर गया। पर अभी ओडिशा एक साइक्लोन को प्रेडिक्ट करके चाहे वो सीवियर हो या ना हो वो पहले से प्रिपेयर रहता है और इसी तैयारी के वजह से नुकसान काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है और इस साइक्लोन का सामना करने के लिए भी तैयार है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग टू ट्यूटर मेंटर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।